नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे हो। सर्दियां ज्यादा हो गई हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुखार का मौसम ज्यादा चल रहा है, फैल रहा है। और बच्चों के पेपर भी हैं, सीटेट का एग्जाम है 9 दिसंबर, केवीएस का एग्जाम है 22 दिसंबर, और सीडीएस के एग्जाम तो बच्चों के हो ही रहे हैं, साथ साथ पीआरटी के एग्जाम्स भी हैं। कुछ डीएसएसबी ने वैकेंसीज अनाउंस कर दी है, स्पेशल एजुकेटर जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि पीआरटी के लिए भी वैकेंसी जल्द ही अनाउंस करेगा DSSSB बोर्ड। तो जो भी पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपके कोई अगर कलीग या फिर कोई क्लासमेट या फिर कोई कजन या फिर कोई रियल ब्रदर सिस्टर है, तो आप उन्हें जरूर ये चीज बता दीजिएगा। अगर कोई डाइट जेबीटी बीएड वाला कैंडिडेट और सीटेट या नॉन सीटेट जो भी है, उनको बता दीजिएगा कि ये आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, अगर उन्हें फिल करना है तो वो जरूर कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियोस जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आप लाइक, और अगर आपको पसंद आते तो आप उसे शेयर जरूर करते होंगे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इन फ्यूचर आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहें, ताकि जो भी आपको सीखना है, जो आप सीखना चाह रहे हैं, वो आप हमारे साथ हमारे जरिए जरूर सीखें। लास्ट वीडियो जो कि हमने अपलोड किया था वो ये, कुछ क्विज हमने खेली थी वन वर्ड्स और इडियम्स पर, और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे, नेक्स्ट ऐसा ही पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केवीएस का एग्जाम है। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि वो कैबलरी पार्ट उनसे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, वहां उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट लगाओ या लैक ऑफ पॉइंट लगाओ या लैक ऑफ उनके पास टाइमिंग नहीं है, तो वो चीजें मैटर रखते हुए आज हमारा फिर से सेशन जो रहेगा वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पर आप कुछ नए वर्ड सीखेंगे। अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड, और नहीं आते हैं तो उनको सीखना है, याद करना है, चीजों को रटना नहीं है। क्लियर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे हम बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता है क्या होता है? नास्तिक। ऐसे ही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये हर किसी पेपर में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, चाहे वो DSSSB बोर्ड हो, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा। तो होपफुली कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो नए वर्ड्स और वो नया कंटेंट आप तक हम पहुंचाएं। फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए या गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, और हमारा फर्स्ट सेशन क्या रहेगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंस। करना क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसे हम वन वर्ड बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। उसके चार ऑप्शन आपको गिवन है, ABCD। इनमें से आपको फाइंड करना है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD में से आंसर कौन सा है। क्लियर? अगर आपको लगता है कि ए आंसर है तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, अगर लगता है बी तो आप बी मार्क कर लेंगे, सी लगता है तो सी ऑप्शन, और डी लगता है तो डी पार्ट आप मार्क कर देंगे। क्लियर? और अगर कंफ्यूजन हो तो उस चीज को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज क्लियर। और नेगेटिव डिपेंड करेगा एग्जाम टू एग्जाम की, अगर SSC के पेपर के लिए बात कर रहे हो तो 0.50, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, DSSSB में -0.25 ऐसा नेगेटिव मार्किंग है, वो वेरिएशन रहते हैं एग्जाम टू एग्जाम। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। एक वो कोई चीज, एक वो कोई थिंग जिसे हम इम्पॉसिबल टू डिजायर कह सकते हैं, कौन सा वर्ड आपको ऐसा लग रहा है कि जो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ट्राई करिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, क्या ऐसा चीज का नाम होता है या क्या वर्ड आप उसे देंगे जिसे हम कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है वो चीज कि हम उसे डिस्क्राइब, मतलब व्याख्या उसकी नहीं कर सकते हैं, बखान उसका नहीं कर सकते हैं, किसी भी पर्सन या अपने लिए भी या किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए, क्या आंसर लगाओगे? अब अगर आपने सोचा है कि हमारा आंसर मिराक्युलस होना चाहिए, तो आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग वो देखते हैं, DID हम देखते हैं या फिर डांस प्लस हम देखते हैं, ऐसे जब हम चीजें देखते हैं तो उनमें बहुत बार जजेस यूज करते हैं मिराक्युलस। मिराक्युलस होता है एक वो वर्ड जिसका मीनिंग हम कहते हैं वेरी वंडरफुल, जिसे देखकर हमारी फीलिंग निकले
वाओ, वो क्या होता है? मिराकुलस। अबे मिराकुलस कोई चीज है वेरी वंडरफुल, तो उसका तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। दैट मींस कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, लेकिन एक वर्ड आपको यहां से मिल गया क्या? मिराकुलस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ, स्टुपिडनेस। क्या होता है, क्या मीनिंग होता है इसका बता? ट्राई, हो सकता है किसी ने पहली बार सुना हो सकता है ये लग रहा हो कि नहीं हम इसका आंसर बता सकते हैं, या फिर अब लग रहा हो कि नहीं, कुछ एक ऐसा लग रहा हो, पॉजिटिव होता है कुछ एक नेगेटिव होता है, तो ट्राई करो क्या आंसर हो सकता है। एनी आइडिया? नो, चलिए बताते हैं। कहता है एक वो बड़ी सी चीज जो हमें अमेज करती है, इट मींस सो ग्रेट और लार्ज दैट अमेजेस यू। ये क्या होता है? स्टुपिडनेस। दैट मींस कि ये कहीं ना कहीं हमारा सिनोनिम रहता है किसका? मिराकुलस। उसका मीनिंग भी क्या होता है? वाओ, एक वो चीज जो हमें अमेज करती है, मतलब इमेजिनेशन की तरफ हमें जो चीज लेकर जाए, वो क्या होता है? स्टुपिडनेस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा है अपॉलिंग। क्या होता है अपॉलिंग? इतना ही टर्म आपको दे दें कि एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड जैसे हम बोलते हैं अप्लॉस, वहीं से हम उठाते हैं अप्लॉइंग। क्या मीनिंग होता है? ट्राई, क्योंकि बहुत बार ये पेपर में आ चुका है, चाहे वो सिनोनिम में लगा लीजिए, चाहे वो वन वर्ड्स में लगा लीजिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन पर, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। अपॉलिंग, फाइंड आउट द मीनिंग। अगर ट्राई नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचिए कि पॉजिटिव अगर बता दिया है या नेगेटिव अगर बता दिया तो हम उसको कैसे एलैबोरेट कर पाए। अपॉलिंग कहता है एक कोई भी ऐसी भयानक सी चीज जिसे देखकर हमें डर लगता है, वो होता है अपॉलिंग। कोई भी ऐसी भयानक, क्या कह सकते हो, बहुत डरावनी, डेंजरस, ऐसी कोई चीज जिसे देखकर हमें डर लगे, वो क्या होता है? अपॉलिंग। दैट मींस आप कह सकते हो कॉजेस फियर, जिसके कारण हमें डर लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं। अब देखो भाई, सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, एक और तो हम पहले ही बना कर चुके हैं। दैट मींस कि हमारा आंसर होना क्या चाहिए? बी ऑप्शन, जो कि क्या है? इनएफेबल। दैट मींस इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसे हम कभी भी डिस्क्राइब ना कर पाए, वो क्या होता है? इनएफेबल। अब देखो यहां से ना एक हिंट निकालना कैसे हम ढूंढ सकते हैं। जब कभी भी किसी भी वर्ड को नेगेटिव या पॉजिटिव हम बनाते हैं ना, तो अक्सर हम देखते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं यू एन अन का, या फिर बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसका नेगेटिव हम आई एन से बनाते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसका नेगेटिव हम आई आर से बनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि वो कैसे यूज हो रहा है, किस वर्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ये कहता है जितने भी ये रहते हैं ना आपके सफिक्स या प्रीफिक्स, इनको हम कहते हैं कि ये किसी भी वर्ड के अगर साथ जुड़ जाते हैं तो ये मीनिंग हमेशा कैसा देते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव मीनिंग देने वाला मेरे पास मुझे और कोई वर्ड मिला ही नहीं, तो हम उसको करेक्ट आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आई एन से हम एक नेगेटिव वर्ड बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे एक्सपीरियंस का अपोजिट अगर हम पूछते हैं तो बच्चे आप लोग अक्सर आंसर करते हो अनएक्सपीरियंस्ड, बट एक्सपीरियंस का अपोजिट कभी अनएक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है। एक्सपीरियंस का अपोजिट क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड, जो अनुभवी नहीं है, नया है, फ्रेशर है, तो वो क्या रहेगा? आई एम से शुरू हुआ ना, दैट मींस कि उसको नेगेटिव हमने बना दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट कह रहा है बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको हम रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, दोबारा से उसकी फॉर्मेशन पर हम नहीं लेकर जा सकते हैं, वो क्या होता है? कौन सा वर्ड ऐसा है जिसे हम चेंज कभी नहीं कर सकते हैं? फाइंड आउट द एरर, सॉरी एरर नहीं, क्या ढूंढना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फॉर दैट। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ढूंढो। आप देखो सारे के सारे नेगेटिव है, आई आर इसमें भी है, आई आर इसमें भी है, आई आर इसमें भी है, और आई आर यहां भी नजर आ रहा है। अब इसमें तो ऑड वन आउट कर नहीं सकते हो कि जिसमें आई आर नहीं है उसको तो वैसे ही हटा दे, लेकिन यहां देखो कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगा। क्या? स्टार्ट करते हैं डी ऑप्शन से। क्या लिखा हुआ है? रिपेयर से कुछ लिखा हुआ है। अब इररिपेयरेबल ये कहता है भाई कुछ भी ऐसा बुरा सा या कुछ भी ऐसा बड़ी चीज जिसे हम कभी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बात समझे? क्या होगा? टू बैड टू बी चेंजेबल।
इट मीन्स लिख सकते हो टू बैड टू बी रिपेयर लिख सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या रहेगा इन, अब देखो हिंट कहां से मिला, यहां कहीं ना कहीं एक वर्ड हमें मिल रहा है रिपेयरेबल, तो रिपेयरेबल तो तभी होगा ना जब रिपेयर से वो जुड़ेगा, बात समझ गए। अब मैंने यहां पर कहा है क्या रिवर्स, ऐसा करके कुछ लिखा है। अब रिवर्स तो हमने देख लिया लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर माइंड क्योंकि हमारा काम करेगा नहीं, अब वहां क्योंकि काम नहीं करेगा लेकिन हमें तो सिलेक्शन चाहिए, तो हमें स्मार्ट वर्क भी दिखाना होगा हार्ड वर्क के साथ साथ, अदरवाइज तो रह जाएंगे एक एक नंबर से। तो वो कंडीशन ये कहते हैं भाई ये तो हमने देख लिया कि आईआर से सारे स्टार्टेड है, बट कौन सा ऐसा वर्ड है जो हूबहू यहां जा सकता है, रिफॉर्म हम उसे दे सकते हैं, लेकिन यहां तो किसी रिवर्स की बात हो रही है। अब रिवर्स तो वो चीज होती है कि किसी एक चीज को मैं बोलूं किसको रिवर्स कर दो, मतलब उसका उल्टा, जो कि उसकी पुरानी फॉर्मेशन है। जैसे हमने पानी से बर्फ बना दिया, उसको फ्रिज में रखकर हमने उसको आइस बना दिया, अब मैंने कहा कि नहीं इस आइस को ना वापस से रिफॉर्म कर दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स का मतलब कि जो उसकी आपने अभी एट द टाइम प्रेजेंट कंडीशन है, मैंने उसको बोला कि इसको बैक कंडीशन में वापस ले आओ, तो वो क्या होता है रिवर्स होता है, बात समझ गए। तो रिवर्स तब ये कहते थे कि किसी एक नई चीज को आप पुरानी चीज में ढाल दोगे वापस, तो वो क्या बन जाएगा इरिवर्सिबल, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट ये तो ऐसा नहीं कह रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये कहता है इरिवोकेबल, जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट यहां तो हम रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब अक्सर आपने अगर कभी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर ली है, सॉल्व की है, प्रैक्टिस कभी उन पर किया है, तो वहां पर अक्सर हम लिखा हुआ देखते हैं रिडीम द वाउचर, देखते हो ना। तो रिडीम का मतलब क्या होता है कि जिसे आप अगर आपने चेंज कर दिया तो दोबारा से उसे बैक टू बैक नहीं जा सकते हैं, वो गलत है, वो जाएगा ही नहीं। तो वही कहता है कि बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको हम वापस से उस चीज पर पुरानी चीज पर नहीं ले जा सकते, वो बुरी चीज है, मतलब जाएगा ही नहीं, उसका बैड इंपैक्ट, तो वो क्या आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दैट मींस इररिडीमेबल। और ये कहां से आया रिडीम से, और वो कहां से बना है जो हम ऑनलाइन सीरीज जब लेते हैं तो उसमें नीचे लिखा होगा रिडीम वाउचर, उसको रिडीम करो, मतलब उनका जो वो रहेगा अकाउंट वो आपका अपना है, वो किसी दूसरे पर नहीं जा सकता है, बस समझ गए। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, स्ट्रगल तो है लेकिन कैसे हेल्पलेसली है, अब ढूंढो भाई क्या आंसर होना चाहिए, चल ढूंढे क्या लिखा हुआ है फाउंडर, फाउंडर क्या होता है, अच्छा एक ये फाउंडर पता कहां से आए हैं, फाउंड से, देखो वर्ड का ना बेसिक समझ लो कि वो वर्ड एक्चुअली बेस्ड हुआ कहां से है, फाउंडर बना कैसे है, फाउंड से, फाउंड में तो ये लगा है ना। अब फाउंड कहते हैं भाई ये कहां से आया, हम कह सकते हैं फाइंड से। अब फाइंड का मतलब होता है पाना, जिसकी पास्ट फॉर्मेशन हम कहते हैं फाउंड, और एक दूसरी वर्ब होती है फाउंड जिसका मतलब होता है स्थापित करना, बस समझ गए। ये फाइंड का मतलब होता है क्या पाना या ढूंढना, और ये फाउंड का मतलब क्या होता है स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना जिसे हम बोलते हैं। अब ये फाउंड से जब मैंने इसमें ईआर लगाकर उसे एक नाउन बना दिया तो हम उसे बोलते हैं संस्थापक, जिसे बोलते नहीं फाउंडर ऑफ राज्यसभा, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ऐसे जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि उसका संस्थापक कौन है ऐसा। तो वो कहता है फाउंड से जब हमने फाउंडर बना दे तो ये तो संस्थापक है, ये तो एक नाउन है, उसको जैसे तो हम जा नहीं सकते हैं, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, दैट इज रॉन्ग। यहां हमने एक वर्ड लिखा हुआ है फिंगर, अब फिंगर का मीनिंग तो सबको पता है ना, ये भी बताना पड़ेगा कि फिंगर क्या होता है या नहीं पता है, पता है अच्छी बात है, क्या होता है फिंगर, जो हमारे हाथ में होती है पांच उंगलियां। अब मेरे पास ऑप्शन बचे दो भाई, या तो आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन या तो आंसर क्या होना चाहिए सी ऑप्शन, ठीक है। अब अकड़ पकड़ पंपे को खेलोगे तो नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव हमें करना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है, दैट्स व्हाई हमें वो जाना नहीं। अब कंडीशन ये कहती है भाई फंबल का मीनिंग ढूंढो, फंबल कहता है किसी भी चीज को ऐसे आप टैकल करो बहुत ही ऑकवर्ड वे में,
टू हैंडल समथिंग इन एन ऑकवर्ड मैनर या विद एन ऑकवर्ड वे, किसी भी चीज को हैंडल तो कर रहे हो लेकिन कैसे, ऑकवर्ड वे में, मतलब एक आप नहीं चाहते वो चीज करना फिर भी आपको जबरदस्ती अभी कह सकते हो ना मन से वो चीज आप कर रहे हो, वो क्या होता है ऑकवर्ड वे। तो फंबल कहता है टू हैंडल समथिंग इन एन ऑकवर्ड वे या फिर मैनर, ये कौन होता है फंबल, क्लियर। अब कोई फाउंडर भी नहीं हो सकता, फंबल भी नहीं हो सकता, फिंगर तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनाना फ्लॉन्डर। बात समझ गए, ऐसे निकालेंगे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस वोकैबुलरी पार्ट, क्योंकि हो सकता है कोई एक मीनिंग यहां से आपका वोकैबुलरी आ जाए, हो सकता है कोई एक वर्ड आपका सिनोनिम में आ जाए, कोई एक एंटोनिम में आ जाए, वन वर्ड में आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम। हमारा काम क्या है, प्रैक्टिस करते रहना, डे बाय डे आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट, अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और चेंज। अब अगर आपका आंसर यहां पर परसीवरेंस आया है तो वो आंसर नहीं है, क्योंकि परसीवरेंस होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो हम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाते हैं। बट यहां तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात कर ही नहीं रहे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है किसी चीज को अचीव करने के लिए नहीं, उसको चेंज करने के लिए। बात समझ गए, परसीवरेंस होता है अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टू गेट समथिंग, जो हमारी डिजायर है, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है। बट यहां उस चीज की बात नहीं है, यहां क्या बात है सिर्फ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और चेंज। एक कॉन्टिन्यूशन में कोई प्रोसीजर है वो चलता है और उसके साथ साथ कोई चेंज है। फाइंड आउट द आंसर, क्या होना चाहिए बताओ, ढूंढो होना क्या चाहिए, अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और चेंज। नहीं पता है, स्टार्ट करें, चलिए ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं डी ऑप्शन से। डायनामिज्म क्या होता है, डायनामिज्म होता है एक हमारी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर जो अगर हमारे पास है, दैट मींस कि आप उसे एस्पिरेशन भी कह सकते हो, कि जिसकी वजह से हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, मतलब एक हमारी डिजायर है, एक हमें भूख है कि नहीं हमें ये चीज लेना है, मतलब लेना है किसी चीज को प्राप्त करने का जो कारण हमारे पास होता है ना, वो क्यों होता है डायनामिज्म। मान लो कि किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उसे भूख रहेगी ना कि उसको फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ अचीव करना पड़ेगा, तो वो आपके अंदर जो एक डिजायर रहेगी ना, जो आपको कुछ अचीव करने की हमेशा एस्पिरेशन देगा, वो क्या रहता है डायनामिज्म। बस समझ गए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसके चलते आप कुछ भी नई चीज अचीव करें, एक गोल अचीव करें, अपना कैरियर फोकस करें, कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपकी डिजायर रहे, उसको जो आप कॉज कह सकते हो कि उसके पीछे छुपा हुआ जो कारण है वो कौन होता है डायनामिज्म। क्लियर हो गया। फिर कहता है ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस। ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस दोनों के दोनों होते हैं सिनोनिम, और दोनों का मीनिंग कहता है कि किसी भी पार्ट को चेंज कर देना, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है, वो कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक वो प्रोसेस है कि किसी भी पार्ट को आप चेंज कर सकते हो, वो कौन होता है मेटामॉर्फोसिस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मीनिंग हम कह सकते हैं अ कंप्लीट और मेजर चेंज इन वंस और समबडीज अपीयरेंस। क्या, कि किसी की अपीयरेंस में जब आप उसमें कोई कंप्लीट या फिर कोई मेजर चेंज कर देते हैं वो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटामॉर्फोसिस। आंसर लिखा है, तो आंसर कहता है भाई ना तो हमारे पास डी ऑप्शन आया, ना तो ए ऑप्शन आया, ना तो बी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी तो सिनोनिम है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन, दैट मींस फ्लक्स। बात समझ गए, गुड। ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस दोनों सिनोनिम है, जिसका मीनिंग होता है अ कंप्लीट और मेजर चेंज इन समथिंग, लिख देते हैं अ मेजर और कंप्लीट चेंज इन समथिंग और समबडी इन द अपीयरेंस ऑफ, नेक्स्ट, सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक से
कैटेसिज्म होता है, कैटाकॉम्बस होता है, कैटालाइसिस होता है, या फिर कैटलिज्म होता है, क्या आंसर लगाएंगे? शुरू करते हैं कैटेसिज्म से। कैटेसिज्म कहता है एक वो क्वेश्चनेयर होता है, एक क्वेश्चन और आंसर का वो कॉम्बिनेशन होता है जो यूज होता है क्रिश्चियंस को स्टडी कराने के लिए। जो क्रिश्चियंस रीजन होता है ना, क्रिश्चियन रिलीजन हमारा जो होता है, उसका वो एक पार्ट रहता है। जब हम वहां पर क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से कहते हैं पूछ सकते हैं, वो जो पार्ट हमारा रहता है वो क्या होता है? कैटेसिज्म। एक क्वेश्चनेयर जो कि यूज होता है किस चीज के लिए? क्रिश्चियंस को बताने के लिए। उनके रिलीजन में जो यूज होता है क्वेश्चनेयर पार्ट, वो होता है कौन? कैटेसिज्म। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर विच इज या फिर दैट आर यूज टू आस्क इन क्रिश्चियंस रिलीजन। क्लियर। फिर हमने कहा कैटाकॉम्बस। कैटाकॉम्बस होता है एक अंडरग्राउंड वो हिस्सा जहां पर लोगों को बरिड किया जाता है। समझ आया? एन अंडरग्राउंड पार्ट या प्लेस, एन अंडरग्राउंड पार्ट और अ प्लेस वेयर पीपल आर बरिड। एक अंडरग्राउंड वो हिस्सा जहां पर लोगों को बरिड किया जाता है, वो कौन होता है? कैटाकॉम्बस। क्लियर। फिर हमारे पास बचा कैटालाइसिस। कैटालाइसिस कहता है कि यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसको हम अपने आप से निग्लेक्ट करेंगे। कैटालाइसिस नहीं हो सकता है क्योंकि यहां स्पेलिंग एरर एक वर्ड है जो कि नहीं जाएगा। फिर कहता है कैटालाइसिज्म, अब डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या बचा? ए ऑप्शन। बात समझ गए? इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म, जिसमें हमने आपको दिया है 5 वन वर्ड्स के क्वेश्चंस। एक वन वर्ड ने कैरी किया है 4 ऑप्शंस को, जिसके जरिए कोई ना कोई आंसर आपको मिल जाएगा। वो हमने बता दिया है कैसे आपको जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ये हमने बताया, एंड इन और इन, जो कि किसी भी वर्ड में अगर जुड़ेगा तो उसको बना देगा नेगेटिव। क्लियर। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो उसको कर दीजिएगा लाइक, शेयर करना भूलना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स में, आपके कजन, आपके रियल ब्रदर सिस्टर उसका फायदा उठाएं, या फिर उनको अगर कुछ भी हेल्प मिलती है हमारी साइट से, तो उसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर हमारे साथ जुड़े रहना, कुछ नई चीजों को सीखना, पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जो हम वो आप तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। नई वैकेंसी जो अभी मार्केट में सुनने में आ रही थी वो यूपी पुलिस, आप होपफुली आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। इसी के साथ साथ पीआईओ DSS भी काम ने आपको बता ही दिया है कि वैकेंसीज आ गई हैं, लेकिन वो स्पेशल एजुकेटर है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है पार्ट बीएड में, तो अगर आप उसके एलिजिबल हो तो आप फिल कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना होगा राइट हैंड साइड पर रेड आइकन बटन, उसको करना होगा प्रेस, साथ ही में दबाना होगा बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए सवेरे के साथ। तब तक नमस्कार।